भगवान राम सभी धर्मों के महापुरुष हैं, क्योंकि राम राष्ट्र के पूर्वज हैं। क्योंकि मुस्लिम धर्म का जो इतिहास है वो, और ईसाई धर्म का जो इतिहास है वो, ये सब 2000 साल के अंदर का है। पूर्वजों के लिए और परंपराओं के लिए वो कितना छोटा भाव रखते हैं, कितना अपमानजनक और कितना खिल्ली उड़ाने वाला भाव रखते हैं, इसकी निंदा करती है। जो बात हुई थी कि वो भारत में मिलना नहीं चाहता था हैदराबाद और निजामशाही पूरी, वो उस मानसिकता को कैरी कर रहे हैं। वो आज भी अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते, नहीं तो भारत माता की जय बोल लेते। एक ये ध्यान आया है अखिलेश चैटर्जी ने दिया है, वैसे तो सभी जानते हैं अयोध्या के राजा राम हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद हैं, इस पर आपको क्या है? अब मैं यही कह सकती हूँ कि उससे ये समझ में आता है कि पूर्वजों के लिए और परंपराओं के लिए वो कितना छोटा भाव रखते हैं, कितना अपमानजनक और कितना खिल्ली उड़ाने वाला भाव रखते हैं, इसकी निंदा करते हैं। दीदी एक और सवाल है कि वो ट्रायंगल के लेकर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जो स्थापित किया गया था नई संसद में, उस पर भी वो बार बार टंच कस रहे हैं, इस तरह देखती हैं आप उसे? वो जिसको लोकतंत्र के विरुद्ध मान रहे हैं तो उनके खुद के परिवार का क्या है? वो एक मंत्री के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी हैं, इसलिए उन्हें तो सिंगल के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं लोकतंत्र को नहीं मानते, वो तो परिवारवाद को मानते हैं। तो परिवारवाद भी एक प्रकार का राजतंत्र है। भगवान राम सभी धर्मों के महापुरुष हैं, क्योंकि राम राष्ट्र के पूर्वज हैं। क्योंकि मुस्लिम धर्म का जो इतिहास है वो, और ईसाई धर्म का जो इतिहास है वो, ये सब 2000 साल के अंदर का है, लेकिन भगवान राम जो हैं वो राष्ट्र के पूर्वज हैं, और इसलिए राष्ट्र के पूर्वज के नाते वो यहाँ के मुसलमानों के भी पूर्वज हैं, इस देश के, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के, और ईसाइयों के भी पूर्वज हैं। दिग्विजय सिंह जी ने अज्ञान पर इसलिए ध्यान दिया, नहीं वो इसी के लिए तो मशहूर हैं। मैंने उनके बारे में कहा था ना आपको कि उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका खुद का मुंह है, उनकी जो जवान है वही उनकी शत्रु है, और इसीलिए वो भोपाल में भी हारे प्रज्ञा से, और वो राजगढ़ में रोडमल लागर के हार गए। उनका मुंह और उनकी जवान उनकी बहुत बड़ी शत्रु है। मैं उनको बहुत बोलती हूँ कि दादा भाई आप संभल के बोला करो, ये नहीं बोल पाते हम लोग, देखिए फिर हमने गलती कर दी। मेरा एक आदमी सवाल है, सीएम साहब ने एक आदेश किया है जिसके तहत मंत्रियों को खुद अपना टैक्स पे करना होगा, इसको आप कैसे देखें? अच्छा, बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मेरा दर्जा मंत्री का है, तो उसमें मुझे कुछ मिलता होगा तो मैं अपने आप ही कट जाएगा। एक्चुअली इनको काट के ही देना चाहिए, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ना, टैक्स काट के ही पे मिलनी चाहिए। ऐसे ही ऐसी व्यवस्था की होगी मोहन जी ने, जो मुझे लग रहा है वो यही की होगी कि टैक्स कट के उनको पेमेंट मिलेगा। मोहन यादव तो बहुत इस प्रदेश के लिए सटीक मुख्यमंत्री हैं आज के हालातों में। दीदी एक और है, जब ओवैसी शपथ लेते हैं तो फलस्तीन के जयकारे लगाते हैं, उसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए वो भगवान का नाम लेते ना, मतलब अपने भगवान का, अब फलस्तीन अगर उनका भगवान हो गया है तो फिर ये उनकी बहुत ही इस मानसिकता का प्रतीक है कि इस राष्ट्र का कोई सम्मान नहीं करते हैं। और जो बात हुई थी कि वो भारत में मिलना नहीं चाहता था हैदराबाद और निजामशाही पूरी, वो उस मानसिकता को कैरी कर रहे हैं। वो आज भी अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते, नहीं तो भारत माता की जय बोल लेते। राज्यसभा की सीट वैकेंट हुई है, कयास लगाए जा रहे हैं उमा जी को मौका मिलेगा? नहीं भैया, वो हमें नहीं बनना, हमें कुछ नहीं बनना, हमें आराम से अभी 2 साल गंगा जी का काम करना, नहीं तो हम चुनाव लड़ लेते ना, अभी तो निकला है चुनाव, मेरे को कभी रोका थोड़ी है उन्होंने चुनाव लड़ने से, कहा बल्कि 19 में भी अभी भी गंगा जी का काम नहीं हो पाया ना पूरा ठीक से, काफ़ी काम हो गया है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं,
और गंगा मेरे लिए बहुत बड़ी है, हम नहीं सोचते, मैं तो सोचती नहीं ये सब बातें। और गवर्नर बनने की बात तो हमारी 19 में उड़ गई थी मेरी सुषमा की। मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, गवर्नर थोड़ा बड़ी उम्र के होने चाहिए। सुषमा जी ने भी कहा था कि नहीं हमें नहीं बनना, वो बहुत गरिमापूर्ण पद होता है और हम लोग जो हैं वो समाज सेवी लोग हैं, सड़क पर चलने फिरने वाले लोग हैं। तो इसलिए हम तो ऐसे किसी पद की आकांक्षा नहीं रखते, हमें रखते हैं कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में दवाई ज़रूर मिले और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई अच्छी हो और इस देश प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके फायर ऑडिट हों ठीक से, और जितने भी प्रकार के ऑडिट स्कूलों को चलाने के लिए अनिवार्य होते हैं प्राइवेट, वो हों। उनके अभाव में बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं, बस वो मैं चाहूँगी।